अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको मर्सी बल्ब पंप के बारे में पूरी मालूमात देंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये बताएंगे इनके रेट क्या है, ये कितना फुट तक पानी उठाता है। ये हमारे होलसेल डीलर हैं, पाकिस्तान में किसी एरिया में भी आप मंगवाना चाहें तो बिला झिझक जो है ना आप मंगवा सकते हैं। तो हम इनसे जो है ना सवाल करते हैं, ये हमें बताएँगे कि सर आप ये बताएँ, ये जो मर्सी बल्ब पंप है ये कितना किस्मों के अंदर आपके पास मौजूद होते हैं? 7 से 8 मॉडल हैं हमारे पास। सबसे मॉडल जो है छोटा है वो 20 से 25 फुट तक काम करता है, इससे बड़ा फिर 25 से 35 तक, उससे बड़ा जो है ना वो 35 से लेकर 50 तक, 50 से लेकर फिर 65 फुट तक वाटर लेवल हो तो वहाँ ये काम करता है। इसको लगाने का तरीका यह है, अगर 20 से 25 फुट वाटर लेवल है तो इसको ऐसे ही लगा दें जैसे ऊपर ज़मीन के ऊपर नलका लगता है। इसके बाद 20 से 25 फुट से जो ऊपर वाटर लेवल होगा, फ़र्ज़ करो 35 फुट है, तो आपने इसको 10 फुट जो है ना वो नीचे गहरा 4 इंच पाइप के अंदर गिराना है। अगर इसी तरह 45 फुट वाटर लेवल हो गया तो आपने 20 फुट इसको नीचे फुट करना है। अगर इसी तरह 60 फुट हो गया तो आपने इसको 40 फुट या 35 फुट नीचे गिराना है। इसको पानी से 20 से 25 फुट ऊपर रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 35 से 40 फुट तक ऊपर पानी आपको पहुँच देगा। अच्छा सर, ये जो है ना जैसे कि आपने ये बताया, ये जो पंप होते हैं अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है यार ये जो है ना वर्म खुल जाती है, उसकी क्या वजह होती है यार, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ये तार की वजह होती है, क्या मसला होता है, क्या नहीं होता? जब इसकी तार आप ओल्ड लगाएंगे तो इसकी तार खुल जाती है, लिहाजा इसका तरीका यह है कि इसको ऑन आप स्विच लगाना चाहिए। घरों में जितना भी एहतियात हो, जो घर में लेडीज़ होती हैं उनसे जो है ना तार उलट लग जाती है, जब इसकी तार उलट लगती है तो ये जो है ना अपना वर्म खुलने का इसका डर होता है, बल्कि वर्म खुल भी सकता है। तो इसलिए इसको एहतियातन एक तार के ऊपर आन आप स्विच लगाना चाहिए जब भी इसको चलाना हो, ताकि आप आन आप स्विच जो है ना उससे आप ऑन कर सकें। अगर कोई दुकानदार आपसे मंगवाना चाहे तो पंजाब के एरिए से हट के कोई और भी आप डिलीवरी कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिंध के एरिया में काफ़ी करते हैं, पंजाब में तो तकरीबन सारे में करते हैं। जहाँ भी आपको डिमांड हो आप हमें अपना वो एड्रेस पता बताएंगे, पैसे भेजेंगे, आपको इंशाल्लाह वहाँ माल पहुँच मिल जाएगा। तो नाजरीन, हम जो है ना आपको जो है ना स्क्रीन के ऊपर नंबर भी देंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दुकान के लिए मंगवाना हो तो बिला झिझक जो है ना आपको ये डिलीवरी भी करेंगे, वैसे तो अड्डे पर भी मंगवा सकते हैं। तो पंजाब अंदर एरिया के अंदर ये सारा जो, और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये मर्सी बल्ब पंप है, इसके अंदर मिसाइल में 7 से 8 किस्म के होते हैं और बड़े जो हैं वो 4 से 5 किस्म के होते हैं। अच्छा, ये जो बड़े वाले पड़े हैं थोड़ा सा आप सेट, ये 20 से 25 फुट तक जो है ना काम, ये देख सकते हैं आप, ये पंप आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी तकरीबन कितना किस्में होती हैं सर? इसमें 4 से 5 किस्म के होते हैं। अच्छा, 4 से 5 किस्में के होते हैं। ये सारे होते कापर में है? ये प्योर कापर मशीनी वेल्डिंग और जापानी मोटरें होती हैं, ये ब्रांडेड मोटरें होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आप घर के लिए भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें आपके बिजली का भी खर्चा है। ये सोलर पैनल पर चलने वाला है, ये कितना सोलर प्लेट पर चलता है सर? ये एक पर भी चल जाता है, लेकिन एहतियातन इसे 2 प्लेट या 1 प्लेट और 1 बैटरी पर चलाना चाहिए। बैटरी लगाना ज़रूरी है, इसमें आपको फ़ायदा ये होगा, इसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर सोलर पैनल पर होकर कभी धूप कम पड़ती है या ज़्यादा पड़ती है, उसमें जो है ना ये होता है कि कभी स्लो हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बैटरी लगाएंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट जो है ना बिल्कुल सही मिलेगा और बराबर रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना सर? तो और कोई आपने मालूमात देनी हो तो नंबर तो हम आपका जो है ना स्क्रीन पर दे देंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई दुकानदार दुकान के लिए मंगवाना चाहे तो इनसे रब्ता करके ये आप मंगवा सकते हैं, अड्डे पर भी मंगवा सकते हैं, पंजाब के एरिए में जो है ना ये डिलीवरी करते हैं। तो कैसे सर? ये जहाँ कोई ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पहुँचाने की। सही है, तो ये होलसेल रेट के लिए दोस्तों मैंने आगे नंबर दे दिया है, बैनर पर लिखा हुआ है, परचून रेट 5,000, 3,500, 4,500 होलसेल रेट के लिए आपको आगे नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आप तक के लिए अल्लाह हाफिज़।